स्टूडेंट, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आपके क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 24 कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पोएम समझेंगे और समझने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखो, सी द मैरी लिटिल स्क्विरल हैज नाउ स्क्रैम्बल टू इट्स नेस्ट। मैरी लिटिल स्क्विरल मतलब कि बहुत ही खुश था एक स्क्विरल, वो कहाँ चला गया है, अपने नेस्ट के अंदर। एंड द फनी प्रिकली हेडहॉग सीक्स अ कोजी प्लेस टू रेस्ट। प्रिकली मतलब कांटेदार, चूहा होता है, जंगली चूहा होता है, वो ढूंढ रहा है आरामदायक जगह जहाँ पे वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके। उसके बाद देखो, द फ्रॉग हैज फाउंड अ ब्लैंकेट इन द पॉन्ड सो डार्क एंड डीप। फ्रॉग ने अपने लिए एक डार्क कैन जो डीप प्लेस है वो फाउंड कर ली है, कहाँ पे, पॉन्ड पे, जहाँ पे वो रेस्ट कर सकता है। वाइल द ड्राउजी लिटिल माउस टू हैज सेफली गॉन टू स्लीप। ड्राउजी मतलब कि बहुत ही सुस्त, जो सुस्त माउस है वो सेफली कहाँ चला गया, सोने चला गया है। आगे देखो, इफ आई गो टू पे अ विजिट टू द हाउस ऑफ स्नेल आई शैल फाइंड हिज डोरवे कवर्ड विद अ शाइनिंग कोट ऑफ मेल। यहाँ पे बोला गया कि अगर मैं विजिट के लिए जाऊँ स्नेल के घर, तो जो स्नेल का घर है उसका जो डोर है वो कवर है विद द कोट ऑफ मेल से। एंड वाइल एट द बॉटम ऑफ हिज होम सो डल एंड वेग, और उसका जो बॉटम ऑफ हिज होम, जो होम का जो बॉटम हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा डल और क्या है, बिग है। द मोल इज हिडन डीपर देन अ लिटल बॉय कैन डिग। जो मोल होता है वो जमीन के अंदर रहता है, तो इतना उतना ज्यादा डीप अंदर रहा है नहीं, कोई भी बच्चा आके उसको डिग करके निकाल सकता है। उसके बाद देखो, इन द कॉर्नर ऑफ द डार्क बार्न वेयर आई ऑलमोस्ट फियर टू ट्रेड, मतलब कि जो होम होता है उसका जो कॉर्नर होता है वहां नीचे, यू नो, डार्क, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, तो वहाँ मुझे जाने से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अपसाइड डाउन द बेड्स आर हैंगिंग फ्रॉम द राफ्टर ओवर हेड, मतलब कि ऊपर नीचे आप देख सकते हो कि जो बेड्स है वो लटके हुए हैं, कहाँ पे, राफ्टर, जो छत है, छत के ऊपर वो क्या हुए हैं, हैंगिंग, लटके हुए हैं। एंड माय लिटिल फ्रेंड द टॉर्टोइज नो आई कैन नॉट फाइंड टुडे, और जो मेरा लिटिल फ्रेंड है टॉर्टोइज, जिसको मैं आज ढूंढ सकता हूँ नहीं, क्यों नहीं ढूंढ सकता, बिकॉज नीड द लीफ माउल्ड, मतलब कि लीफ के नीचे छुपा हुआ है, इन द गार्डन ही इज हिडन, राइट, वो गार्डन में वो लीफ के नीचे छुपा हुआ है। तो ये पोयम में ये कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेयर आर द बेड्स, तो हमें लिख सकते हैं द बेड्स आर अपसाइड डाउन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ आर दे हैंगिंग फ्रॉम द राफ्टर, किस तरह वो राफ्टर पे लटके हुए, तो यहाँ पे लिख सकते हो दे आर हैंगिंग फ्रॉम द राफ्टर ओवर हेड। उसके बाद थर्ड नंबर पे देखो, हु हैज क्लाइम्ड टू इट्स नेस्ट, कौन अपने नेस्ट पे चढ़ गया, द स्क्विरल हैज क्लाइम्ड टू इट्स नेस्ट। वेयर इज द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज कहाँ छुपा हुआ था, तो टॉर्टोइज इज नीथ द लीफ मोल्ड इन द गार्डन, जो पत्ता होता है, पत्तियों के नीचे वो छुपा हुआ था। फिफ्थ नंबर पे देखो, हुज होम इज वेरी डल एंड बिग, किसका घर डल और बिग था, तो स्नेल होम इज वेरी डल एंड बिग, जो बॉटम ऑफ द हाउस है वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। वेयर डज द हेडहॉग डू, सॉरी, व्हाट डज द हेडहॉग डू, तो हेडहॉग क्या, कांटेदार जंगली चूहा क्या कर रहा, तो हेडहॉग सीक्स अ कोजी प्लेस टू रेस्ट, कोजी मतलब कि आरामदायक जगह ढूंढ रहा था रेस्ट करने के लिए। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में आ सकती है, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आना वाला है, तो बाय हार्ट यू हैव टू लर्न दिस एंड राइट डाउन इन योर इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।